हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो से पता ही चल गया होगा, हम 1 तारीख को रायपुर में गए थे और रायपुर में किनके घर गए थे सारी चीज आपको वीडियो में मिल ही चुका है। अब एक घर बाकी है जो भैया का है आज जन्मदिन। उस जन्मदिन में माँ अपने बेटे के घर आई है और उनका कर रहे हैं स्वागत। तो आइए अंदर को चलते हैं और अंदर में कैसी कैसी व्यवस्था है, कैसे क्या है, सब चीज को दिखाती हूँ। कौन है बर्थडे बॉय, मतलब माँ का बेटा जो जन्मदिन है, उन कौन है, वो सब चीज को मैं आपको बताती हूँ। हालांकि हमें हो गया है देर रात, जिस दिन बर्थडे था उस दिन केक नहीं काट सके, लेट हो गया। लेकिन जब हमारी महारानी आए तो कोई भी दिन केक कटे, जन्मदिन उस दिन मान गए। तो उसी प्रकार आज भी हम ऐसे आ गए। और ये देखिए, इन भैया के घर में पूरे दीवार पे हर तरफ माँ का फोटो और उन सबके साथ वाला फोटो लगा हुआ है। तो ऐसे मतलब बेटा मिल जाए आस्था रूपी से तो मन तो गदगद हो ही जाता है। और इस तरीके से आ गया बर्थडे के लिए केक काटने के लिए केक। अब माता भी आई है और ये रहे जिनका जन्मदिन है वो भैया, जो ऐसे खुशकिस्मत किसी को ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जो माँ अपने बेटे का आरती उतारे, तिलक लगाए, उनको प्यार से केक खिलाए। आप मोमेंट को देखते रहिए। बर्थडे में आए हैं हमारे गायक सर जी, जिनसे मैं आपको बहुत जल्द मिलवाने वाली हूँ। तो उनका गाना भी सुनिए और धुन भी सुनिए। बड़ी माता, नानी माँ, सब लोग बारी बारी से आरती उतार लेते हैं। और ये है भैया के यहाँ की मैडम, जो वो भी आरती उतार लेते हैं। उनके पति जी हैं, परमेश्वर है और हमेशा के लिए हर सुख सुविधा में साथ देना करके आशीर्वाद ले लेते हैं। कैसे डांस किए हैं सब लोग, मजा किए, मस्ती किए, सारी चीज आप वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और जिन जिन लोग इस भैया को जानते हैं उनको शेयर जरूर कर देना, ताकि उनके बर्थडे में आप मिस कर सके। अब ये देखो, केक कट गया भाई, केक खिला लिए भाई। அவனை பார்த்து அங்கு போதையில் இருந்த ஒரு பணக்காரன்
हमें बज रहा था एक, तो ज़्यादा रात हो गया था तो ज़्यादा लोग थे नहीं, और वही चाहते थे पब्लिक ज़्यादा मत आए। जो आस पड़ोस में थे और घर के परिचित थे वही बच्चे लोग थे और दो चार लोग थे और बाकी हम लोग थे। हम भी खा लिए केक और सबको भी उधर केक खिला लिए। केक भी बड़ा ही प्यारा लग रहा था। इस तरीके से मना लिए हम आज भैया जी का बर्थडे। तो आपको कैसे लगा? क्या आपकी भी इच्छा है माता जी हमारे साथ में बर्थडे मनाए करके? लेकिन इच्छा मत रखो यार, श्रद्धा रखो और साधना करो, प्रे करो, मानो ईश्वर को, तो जरूर ऐसी आपकी भी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। तो अब आई बारी कि थोड़ा सा गाना चले तो डांस हो जाए करके। लेकिन सब लोग सोच रहे हैं, थक गए हैं ना, क्योंकि दोपहर से आए हुए हैं रायपुर, और रायपुर में ऐसी घर घर बैठने नहीं आए थे भाई। आज को तो पता है गुड़ियारी के पंडाल में शोभा यात्रा में आए थे, तो उसमें तो थकान लगना ही है। खैर छोड़ो, अगर मस्ती मूड में हो जाए तो कोई थकान कोई दिक्कत नहीं, और उस मस्ती में लग जाओ। तो चलते हैं अब डांस की ओर देखने को। अभी तो माता जी लोग अंदर जाएंगे, कुछ भोजन वगैरह करेंगे, और ये हैं गायक सर जी जिनसे मैं आपको बहुत जल्द मिलाने वाली हूँ। यहाँ पे उनको गा रहे हैं और भैया जी केक खिलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कर लिया जाए तो मैं भी मोबाइल को पकड़ा दी और आ गई नाचने के लिए। तो बर्थडे वाले जो भैया थे वो इतना खुश हो गए कि पूछो मत, साउंड वाउंड सब बढ़ाने लग गए। करके तो उस नाश्ते को ला रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे, पेट में तो जगह भी नहीं था, और बना था नाश्ते में पोहा, जबरदस्ती देते जा रहे थे खाओ खाओ हमारे घर आए हो तो करके, लेकिन थोड़ा मोड़ा खाए हैं। और इधर भैया भाभी खुशी से छलक रहे हैं, देखो माँ के लिए कैसे ममता छलका रहे हैं।
तरीके से रहा आज का हमारा बर्थडे का दिन, और बर्थडे वाले भैया भी खुश हो गए, यादगार रह गया उनका बर्थडे। तो भैया को भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब हमें रखना है, वीडियो को विराम करना है और घर भी जाना है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2 और अगला फिर नवरात्रि की तैयारी भी करना है, करके हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बैठो बैठो करके बिठाए जा रहे थे, लेकिन जाना ही पड़ा। मिलते हैं नवरात्रि के वीडियो में।